शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नानी, कहानी सुनाओ ना। नहीं सुनाऊंगी मैं कहानी। मैंने सुना है तुम लोगों ने आज शैतानी की थी। देखो, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, अगर करोगे तुम शैतानी, नहीं सुनाऊंगी मैं कहानी। नहीं करोगे हम शैतानी, अब तो सुना दो कोई कहानी। अच्छा, तो तुम लोग कहानी सुनना चाहते हो, कौन सी कहानी सुनोगे? राजा रानी की। राजा रानी की। ये बहुत पुरानी बात है बच्चों, सदियों पहले एक बड़े से राजमहल में सूर्य के समान शौर्यवान एक राजा और चांद की तरह खूबसूरत एक रानी रहा करती थी। उन दोनों में बहुत प्यार था, जैसे दो बदन और एक मन। अरे, आपने तो हमें डरा ही दिया था। भला ऐसे कैसे डर सकती हैं आप? हमारे वीर और साहसी राजकुमार की होने वाली माँ। अच्छा, आपको कैसे पता कि राजकुमारी होगा? राजकुमार हो या राजकुमारी, उनमें साहस और वीरता तो होगी। अपने पिता के समान। और सुंदरता अपनी माँ के समान। राजकुमार हो या राजकुमारी, ये सारे गुण होने के लिए अति आवश्यक है कि आप अपना ध्यान रखें और समय पर भोजन करेंगी। बड़ा प्यारा रिश्ता था उनका, ढेर सारी खुशियां और प्यार था उनके जीवन में, पर किसे पता था किस रिश्ते पर नजर लगने वाली थी। नजर? हाँ, एक डाकिनी की नजर। ये डाकिनी क्या होती है नानी? डाकिनी? डाकिनी बहुत खतरनाक और डरावनी होती है, खून की प्यासी और बड़ी ही विनाशकारी होती है। हर आधे चंद्रमा की रात को वो निकल पड़ती है अपना शिकार ढूंढने, और वो भयानक रात भी आधे चंद्रमा वाली थी। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो गांव जा रहा हूँ, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? आप
आते ही वो बूढ़ी औरत एक बेहद खूबसूरत और जवान औरत पे बदल गई, और इसी तरह वो हर आधे चंद्रमा की रात को अपने शिकार के लिए निकल पड़ती थी ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, वो कभी बूढ़ी ना हो। मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों बोल रहे समू? नानी, उस राजा रानी के साथ फिर क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। उस डाकिनी ने पूरी तरह राजा को अपने वश में कर लिया, उसका बर्ताव भी बदलने लगा। महाराज कहाँ जा रहे हैं? सुन क्यों नहीं रहे? भरोसा था हमें कि हम जब जब याद करेंगे आप हमारे पास चले आएंगे। कैसे नहीं आते? पर ये हमने जब से आपको देखा है चारों ओर बस आप ही आप दिखाई देती हैं। आपके अलावा तो हमें कोई नजर ही नहीं आता। और देखिएगा भी नहीं, अब से आप सिर्फ हमारे हैं और हम आपके।
के अंधेरे में छुप छुप कर उस डाकिनी से मिलने जाने लगा। रानी के तो जैसे होश ही उड़ गए, डर के मारे वो पसीने पसीने होने लगी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, कैसे राजा को उस डाकिनी के चंगुल से छुड़ाया जाए। हे देवी माँ, अब आप ही हमारे पति को इस संकट से बचा सकती हैं। बचा लीजिए उन्हें। फिर थोड़े दिनों बाद वो डरावनी रात फिर से आई। आधे चांद की रात। हाँ, और इस बार डाकिनी का शिकार था राजा। परी कहाँ है? कौन हो तुम? मगर उसका असली शिकार राजा नहीं था, बल्कि उसका होने वाला बच्चा था।
जो रानी के कल्प में पल रहा था। रानी और उसके बच्चे को भी मार देगी। उस रात राजा और रानी के बच्चे का जन्म होता है। राक्षसी मुहूर्त में जन्मा ये बच्चा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। राजकुमार बनकर पैदा हुआ मगर डाकनी का पुत्र बनकर जीवन बिताएगा। गंदी डाकनी होना चाहिए। डाकिनी का कोई नाम था क्या नानी? चंद्रलेखा। चंद्रलेखा नाम है मेरा। चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, चांदनी से भी ज्यादा मनमोहक, अप्सराओं से भी अधिक अदाएं हैं मुझमें, तारों से भी ज्यादा चमक। धरती हो या आसमान, पशु पक्षी हो या इंसान,
मुझे देखते ही अपना सुध बुध खो देते हैं। फिर तुम्हारा पति होश में कैसे रह सकता है? ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये वो सीढ़ी है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। राजसी रक्त की एक एक बूंद मुझे कामयाबी दिलाएगी। चंद्रलेखा, ये काला धागा क्यों? ये काला धागा नहीं, पहरा है मंदाकिनी, मेरा पहरा जो इस बच्चे पर हमेशा रहेगा और इसे मुझसे बांध के रखेगा। ये बच्चा बहुत अनमोल है और अनमोल चीजों पे नजर रखनी चाहिए। मंजिल तक पहुंचाएगा। राजकुमार बनकर पैदा हुआ मगर डाकनी का पुत्र बनकर जीवन बिताएगा। अब मेरे और मेरे मकसद के बीच और कोई नहीं आ सकता। इस वर्ष पूर्व सुनैना के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के विपरीत होने की बात मैंने बताई थी, उसका समय आरंभ हो चुका है। अब सुनैना को कठिन संघर्ष, संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।